बातचीत करते हुए डॉक्टर आनंद राय ने परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर खुलकर बातचीत की, जहां उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम को धोखा बताया है। क्या ऑनलाइन एग्जाम धोखा है? ये बता दूं कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है जी। हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं और कई बड़ी परीक्षाएं जो देश की और विदेश की जो नामी एजेंसियां हैं, उन्होंने हाईकोर्ट दिल्ली में स्वीकारा है कि हमारे सिस्टम में लूपहोल था। मैंने पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोमेट्रिक के अगेंस्ट, जो कि नीट पीजी परीक्षा करवाती है एमडीएमएस एंट्रेंस, और एम्स करके बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा जिसको टीसीएस करवाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हमने उसको भी एक्सपोज किया और उसने भी स्वीकारा कोर्ट में कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट है। तो अभी जो यहाँ जो परीक्षाएं करवा रहे हैं वो गली मोहल्लों की कंपनियां जिनके आपने नाम तक नहीं सुने होंगे, उनको मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा छात्रों का भविष्य उनके हाथ में सौंप दिया है। और वो लोग जैसे उनको ठेका मिलता है, कमीशन देके पहले ठेका लेते हैं और ठेका देने के बाद फिर वो निकल जाते हैं एजेंट्स तलाशने, कैंडिडेट्स तलाशने की हमको यहाँ से सरकार से जो पैसा नहीं मिला उसको कम्पेंसेट करना। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर आनंद राय ने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जाँच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। क्या गड़बड़ियों की जाँच होनी चाहिए? ये जो मामला है इसमें तो कंप्यूटर पे जब क्वेश्चन आए तो वहां से फोटो खींच कर उसको और उसको उसकी आंसर की तैयार की गई और आंसर की भी वायरल हुई है, और ये जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो ABCD जो 4 गोले रहते हैं वो भरे हुए नहीं है, मतलब कि वो एग्जाम खत्म होने के पहले के स्क्रीनशॉट है। तो सरकार को दिमाग लगाए बिना सबसे पहले इस परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए, इसकी CBI जांच की अनुशंसा करना चाहिए क्योंकि लोगों को इनमें विश्वास नहीं बचा है। वहीं वायरल हुए स्क्रीनशॉट्स पर CM के OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम द्वारा कराई गई FIR पर उन्होंने अपनी सफाई दी। खुद पर हुई FIR पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है, देखो बिल्कुल गलत तथ्यों में, जब एक तरफ तो मैप IT की जांच में साबित हो गया कि स्क्रीनशॉट सही है, जब स्क्रीनशॉट सही है तो मैंने कौन से कूटनीतिक दस्तावेज बनाए हैं, है ना? किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से आप जांच करवा लीजिए। और मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि इस पर जो लक्ष्मण लिखा हुआ है लक्ष्मण कौन है, सिर्फ और आपको ज्यादा नॉलेज है तो वो चीजें हम तक पहुंचा देते हैं। वो क्या पूछेंगे, बस पूछने के लिए कुछ है ही नहीं होता। हमने उनसे पूछा कि तुमने केस कैसे दर्ज कर लिया, अच्छा, और हमने उनको भी बोला भाई तुम संविधान पढ़ा करो जरा, कॉन्स्टिट्यूशन उनको आता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ धाराएं आर्टिकल्स उनको कुछ नहीं पता उनको जी। उनको हमने बोला, वो तो रिप्रेजेंटेशन लेने से मना कर रहे थे कि 4 तारीख के पहले हम रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन लेने से तो आप मना नहीं कर सकते, मैं कुछ लिख के लाया हूँ, अपना पक्ष आपको लेना पड़ेगा। PEB में गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है, वहीं प्रदेश भर के युवा न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है।